देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला के अंतर्गत बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शिवनारायण सिंह ने पेशा कानून लागू करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। वही विधायक शिवनारायण सिंह ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 16 सितंबर को जबलपुर में आयोजित बलिदान दिवस के मौके पर प्रदेश के जनजाति वर्ग के हितों को देखते हुए फैसला लेकर पेशा कानून लागू किया गया एवं बलिदानी राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के नाम पर किए जाने में जनजाति समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं एवं जबलपुर में भव्य आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जनजाति समाज के लिए उपहार तय करते हुए घोषणाएं की गई एवं 15 नवंबर को भगवान विश्व मुंडा जयंती मनाते हैं उसे विशाल रूप में पूरे प्रदेश पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा एवं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के नाम से खोला जाएगा। वही आदिवासियों के द्वारा पेशा कानून लागू करने को लेकर आंदोलन किया गया था, जहां माननीय मुख्यमंत्री ने पेशा कानून लागू किया है एवं उनके इस फैसले का सभी लोग स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पेशुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 18 तारीख को जबलपुर में हमारे क्रांतिवीर जिन्होंने अंग्रेजों को खदाड़ भगाने का जो काम किया था शंकर शाह रघुनाथ शाह पूर्ण स्मरण के दिवस पर भव्य कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित हुआ और जनजाति भाइयों के लिए बहुत सारे उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसी दिन तय किए और घोषणाएं भी की, जिस तरह के हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो जयंती हम 15 नवंबर को मनाते हैं उसको विशाल रूप में पूरे प्रदेश में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के स्मरण में छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय के नाम से उनके नाम से खोला जाएगा और जो हमारे आदिवासी भाई पेशा लागू करने के लिए तरह तरह के बाद तरह तरह के आंदोलन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं कि छठी अनुसूची लागू की जाए, ट्राइबल आदिवासी लोग निवासरत हैं ऐसे एरिया को ऐसे जनपदों को छठी अनुसूची में लाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेशा एक्ट के तहत लागू किया है और इनके माध्यम से हमारे समितियों में जो आदिवासी भाई रहेंगे जो वन समिति हो गई वन समिति के माध्यम से तेंदूपत्ता खरीदी जाएगी और बहुत सारे ऐसे जो सीधे हमारे आदिवासी भाइयों को लाभ मिले ऐसी तरह के बहुत सारे पेशा एक्ट में पेशा लागू में जो नियम कानून बनेंगे उसके आधार पर आदिवासी भाइयों को जिन जिन योजनाओं का लाभ जिन जिन समिति के माध्यम से उनको मिलेगा ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को घोषणा की है। निश्चित ही इस घोषणा के तहत हमारे आदिवासी भाइयों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित ही आर्थिक दृष्टि से जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है उन्होंने इसके माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों को निश्चित रूप से नए आयाम मिलेंगे और नए सृजन शायद होंगे इस पैसा एक्ट में पैसा लागू में। तो मैं इस बात से धन्यवाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित करूंगा कि आपके द्वारा जो घोषणाएं की गई है निश्चित ही आने वाले समय में हमारे आदिवासी भाइयों को उनके जीवन भविष्य की जो है उज्ज्वल भविष्य हो ऐसा आपने जो विचार करके घोषणा की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी जिले की ओर से अपने आदिवासी भाइयों की ओर से विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। लेकिन उनके हितों की रक्षा करते हुए पेशा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। पेशा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देती है, वन भी सामुदायिक संसाधन है, इस कारण पेशा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है और इसलिए हम अमली जामा इसको पहनाने के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की शुरुआत करेंगे, ग्राम सभाओं को ये अधिकार जाएंगे। अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करवाएगी और समितियां ही उस प्लान को क्रियान्वित करेगी,
वन विभाग का अमला विजय साह जी समितियों को केवल मदद करेगा, बाकी काम समितियां करेगी और समिति को ग्राम सभा के सामने कामों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। वनों के प्रबंधन के दौरान कटाई छटाई से जो बांस और बल्ली जलाऊ लकड़ी निकलेगी उस पर भी अधिकार समिति का होगा। समिति उसको बेच के आय कमा सकेगी और अंत में जब कटाई से इमारती लकड़ी प्राप्त होगी तो उसका भी एक अंश समिति को जाएगा ताकि जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। ग्राम सभा यदि समिति के काम से खुश नहीं होगी तो खुद ही उस समिति को भंग करके नई समिति का गठन कर सकेगी। ये प्रावधान भी हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं।